शिमला प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़े का वीरवार को समापन हो गया। इस मौके पर प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष ओपी सारस्वत विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि सारस्वत ने हिंदी पखवाड़े में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और विभाग से हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया। वीरवार को राजधानी शिमला के प्रधान महालेखाकार कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़े का समापन हो गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक व हिंदी विभागाध्यक्ष ओपी सारस्वत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभाग द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, निबंध लेखन, कविता पाठ व भाषण प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागी कर्मचारियों व अधिकारियों को मुख्य अतिथि ओपी सारस्वत ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से हिंदी भाषा में कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर राजभाषा हिंदी पखवाड़ा की अध्यक्षा व समिति उप महालेखाकार बिंदेश्वरी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के साथ साथ कर्मचारियों व अधिकारियों को हिंदी के प्रति जागरूक करना रहा। हमने यहाँ पे प्रतियोगिताएं करवाई कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जिसमें सबसे पहले प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, निबंध लेखन, कविता पाठ और अशुभ भाषण, ऐसी प्रतियोगिताएं की गई। और आज लास्ट आखिरी दिन में हम हमारे यहाँ श्री ओपी श्री सारस्वत जी आए हुए हैं। वो हिंदी उसके विभागाध्यक्ष रहे हैं, हिंदी इसके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो वो भी अपना विचार यहाँ देंगे और जो प्रतियोगिताओं में जिन कर्मचारियों ने अधिकारियों ने भागीदारी ली है और जो उसमें उनको प्रथम या द्वितीय हम पुरस्कार देंगे, तो ये पुरस्कार वितरण होगा। और जो हमारे इसका संदेश है हमारे गृह मंत्री का, वो हम कल 14 सितंबर को हिंदी दिवस पे उसको कार्यालय के प्रांगण में सारे कर्मचारियों के सम्मुख पढ़ेंगे। विषय तो मेन यही था कि हम अपने हिंदी को भाषा को मेन प्रोत्साहन देना और इसका ज़्यादा सुदृढ़ करना, ज़्यादा स्थिति यही थी हमारी, और कर्मचारियों अधिकारियों को इसके प्रति ज़्यादा जागृत किया जाए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे प्रोत्साहन मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए केवल मात्र पखवाड़ा और हिंदी दिवस जैसी रस्म अदायगी काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।